गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सुभन गिरी फ्रॉम जी एम पब्लिक स्कूल चेता पूरे स्टार्ट क्लासेस क्लास थ्री सब्जेक्ट संस्कृत। लास्ट क्लास चैप्टर वन कंप्लीट एंड पूरे स्टार्ट चैप्टर टू बहुत लीजिए ग्रहण, मतलब मेरा पीए सुविधा है। ठीक है, आप लोग कुछ निकालिएगा। चैप्टर टू आप लोग निकालिएगा मेरा प्रिय। देखिए निकालिएगा चैप्टर टू मेरा प्रिय घर। सभी के लिए अपना घर जो भी घर है सबके लिए प्रिय होता है ना, सभी को अपना घर प्रिय होता है ना। तो सबको अपना घर प्रिय होता है, उसके बारे आज हम लोग संस्कृत में पढ़ाई करने जा रहे हैं। क्या है वह प्रिय घर? यह गोविंदपुरे निवसामी, मतलब क्या बोल रहा है, मैं गोविंदपुर में रहता हूँ, मतलब मैं गोविंदपुर में निवास करता हूँ, रहता हूँ। गोविंदपुरम शोभनम ग्राम अस्ति, बोला जा रहा है गोविंदपुर सुंदर गाँव है। गोविंदपुर जो है एक बहुत सुंदर गाँव है। यह ग्रामे गंगाया पवित्र तटे अस्थित अस्थि, बोला जा रहा है यहाँ जो यह गांव है गंगा के पवित्र तट पर स्थित। गंगा के पवित्र, गंगा क्या है, उधर से बहा हुआ, उसके ऊपर में क्या वो गांव बसा हुआ है। यत्र प्रतिदिन जना स्नाने आगच्छति, बोला जा रहा है यहाँ लोग प्रतिदिन स्नान के लिए आते हैं, वहाँ प्रतिदिन दूर दूर से स्नान के लिए गंगा में जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं और अपने दुखों को वहाँ संग्रहण करते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है मामा गृह पूज्या माता पूज्या पिता प्रियो अनुज च वसत, बोला जा रहा है मेरे घर में पूजनीय या माता जी पूजनीय पिताजी और प्यारे जो छोटे भाई रहते हैं, बोला मेरा घर में उसका माँ उसका पापा और छोटे दो भाई रहते हैं। एका भगिनी अपी मम गृह अस्ति, मेरा घर में एक बहन भी है, उसका जो घर है उसमें क्या बोला जा रहा है, मेरे घर में एक बहन भी है। मम गृह न सुविशालम परस्खेन वयम यत्र निवसाम, बोला जा रहा है मेरा घर ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन हम यहाँ पर सुख से रहते, मेरा घर इतना बड़ा नहीं है मगर हम लोग क्या उसी घर में क्या सुख शांति से रहते, आनंदमय जीवन व्यक्त हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो बोला जा अदा यह सुदूरात स्वकीय गृह प्रत्यागच्छति अदा अत्र शनि शनि आनंदम अनुभवामि, बोला जा रहा है जब मैं बड़ी दूर से अपने घर को लौटता हूँ तब मैं धीरे धीरे आनंद का अनुभव करता हूँ। सभी जो भी है, या प्राणी हो या एनिमल हो या आदमी हो या कोई भी, अगर कोई अपना दूर से जब आता है घर में तो उसको सुख का आनंद होता है। क्या होता है, स्टूडेंट जब क्लास में आता है और क्लास से जब घर के लिए छुट्टी होता जाता है तब मन में बहुत ज़्यादा खुशी रहता है क्योंकि वो अपने घर के लिए जा रहा है। कोई आदमी क्या बाहर से आता है, बाहर में भी काम कर रहा है, पैसा आ रहा है, घर आ रहा है, जब आता है तो क्या करता है, बहुत खुशी होता है क्योंकि वो अपना घर, मेरा प्रिय घर, अपना प्रिय घर हो जा रहा है, अपने परिवार के पास जा रहा है तो बहुत आनंद होता है। ठीक है, मामा गृह दो सुख अस्त, मेरे घर में दो तोते हैं, उसके घर में क्या बोला जा रहा है, मेरे घर में दो तोते हैं। तो मधुर शब्द वदत सदा यस्मात पचनानी अनुवदत, बोला जा रहा है वे दोनों मीठे शब्द बोलते हैं और हमेशा हमारे वचनों का अनुकरण करते हैं, मतलब वो दोनों मीठे जो तोता है क्या बोल रहा है, दो मीठे दोनों है, मीठे शब्द बोलते हैं और हम लोग जो बोलते हैं उसी को वो दोहराता है, बात करता है, बोल रहा है। इसका बोला जा रहा है गृह एक धेनु अपि अस्ति, बोला जा रहा है घर में एक गाय भी है। धेनु का मतलब क्या होता है, गाय, तो मेरे घर में एक गाय भी है। सा श्यामा सरला च अस्ति, वह श्याम काले रंग की है, जो गाय है उसका नाम क्या है, श्याम है, किस रंग का है,
काले रंग का है, ठीक है। तस्या ललाटे ललिता श्वेता तिलकम अस्ति, बोला जा रहा है उसके मस्तक पर सुंदर सफेद तिलक है। उसके गाय का जो मस्तक है उस पर क्या है, मस्तक पर सुंदर तिलक है, ठीक है, सफेद। उसके बाद बोला जा रहा है सा महा परचुरा मधुरा दुग्धा धराती, वह मुझे पर्याप्त मीठा दूध देती है। जो गाय से क्या मिलता है, उसको पर्याप्त दूध डेली को मिलता है। लेनो दुग्धे शरीर पुष्ट भवती, बोला जा रहा है गाय के दूध से शरीर बलवान होता है। गाय का जब हम दूध पीते हैं तो क्या होता है, शरीर मेरा क्या होता है, बलवान होता है। ममा गृहस्य अर्घे एका मनोरमा वाटिका अस्ति, क्या बोला, मेरे घर के आगे एक रमणीय बगीचा वाटिका है। मेरे घर के आगे एक रमणीय क्या है, बगीचा है, रमणीय वाटिका है, ठीक है। अस्या वाटिका वह पुष्पा पादुक अपि अस्ति, बोला जा रहा है इस बगीचे में बहुत सारे फूल और पौधे हैं। इस बगीचे में बहुत सारे फूल और क्या है, पौधे लगे हुए हैं। पादपेषु विविधानि सुंदराणि पुष्पाणि समये समये विकसन्ति, क्या बोला जा रहा है, उस पौधे पर समय समय पर अनेक प्रकार के सुंदर फूल खिलते हैं। जो पौधे लगे हुए हैं फूलों का, उसमें समय समय पर अनेक प्रकार के फूलों के फूल खिलते हैं। एषु उज्ज्वला पुष्प कारणी कारणी पीतम श्वेत पूर्णकुसुम च भवति, बोला जा रहा है जो पेड़ लगा हुआ उसमें में गुड़हल कनेर पीला और सफेद कुंद का फूल होता है, ठीक है। उसके बाद बोला अति रमणीय प्रिया च ममा आटिका, बोला जा रहा है मेरा बगीचा बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर है। मेरा जो बगीचा है बहुत ही प्यारा और बहुत ही रमणीय, बहुत ही सुंदर है इसका उसका बगीचा। वाटिका समीप एक कूप अस्ति, मतलब बगीचा के सामने एक कुआं भी है, बगीचा के सामने एक कुआं भी है। अस्ति जल निर्मल शीतल अस्ति, इसका पानी साफ और ठंडा है। इसका जो पानी है बहुत ही साफ और बहुत ही ठंडा है। कूपस्य समीपे विशाल वट वृक्ष विकसति, मतलब बोल रहा है कुएं के सामने बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष वहां पर है, कुएं के सामने, ठीक है। नीचे दिया गया है शब्द, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास चैप्टर 3। तब तक के लिए थैंक यू।